स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11 की एक पोएट्री जिसका नाम है फ्रॉम डोभर बीच और जिसके राइटर हैं मैथ्यू अर्नॉल्ड को एक्सप्लेन करूंगा, उसकी समरी बताऊंगा, उसकी व्याख्या बताऊंगा। और इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये जो पोयम है इसमें पोएट डोभर बीच पर, जो कि इंग्लैंड में है, एक बीच का नाम है, समुद्र के किनारे का एक बीच है जिसका नाम डोभर है, वहां पर अपने प्रेमिका के साथ है और वहां पर अपनी प्रेमिका को बताता है, समझाने का प्रयास करता है कि ये दुनिया क्या है, प्यार क्या है और कैसा है, दुनिया अशांत क्यों है या दुनिया में रहने वाले लोग अशांत क्यों हैं और हमें क्या करना है। ये सारी चीजें पोएट के द्वारा इस पोयम में, इस कविता में कही गई हैं। आ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, आ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। कवि मैथ्यू अर्नॉल्ड डोभर बीच पर खड़े हैं और साथ में उनकी प्रेमिका हैं और यहां पर एक चाह के, इच्छा के साथ कवि कह रहे हैं कि आ हमारा प्यार सच्चा होना चाहिए एक दूसरे के लिए। अनदर फॉर द वर्ड, फॉर अनदर फॉर द वर्ड व्हिच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीमलैंड। कभी कहता है अपनी प्रेमिका से कि हमारा प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा होना चाहिए और यह जो संसार है विच सीम्स टू लाई बिफोर अस, जो हमारे सामने कुछ ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, जैसे कि यह सपनों का, सपनों की जमी हो, काल्पनिक संसार हो। सो वेरियस, सो ब्यूटिफुल, सो न्यू। वेरियस का अर्थ है विभिन्न, इतना विविधता लिए हुए, इतनी सुंदरता लिए हुए और इतना नयापन लिए हुए। कभी डोभर बीच पर खड़ा है अपनी प्रेमिका के साथ और कहता है अपनी प्रेमिका से कि हमारा प्यार एक दूसरे के प्रति सच्चा होना चाहिए। यह जो संसार है, ऐसा जान पड़ता है कि यह एक स्वप्नलोक जैसा है जिसमें बहुत सी विभिन्नताएं हैं, बहुत सी विविधताएं हैं, जो संभवतः बहुत सुंदर है और बहुत नयापन लिए हुए है, क्योंकि स्वप्नलोक में जो चीजें हम देखते पाते हैं वो प्रायः होती नहीं है। तो कवि का कहना है कि यह संसार एक स्वप्नलोक जैसा है जिसे हम प्रायः बहुत सुंदर और विविधताओं से परिपूर्ण और नयापन लिए हुए पाते हैं। हेथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट। ये जो संसार है वास्तव में ना तो कोई आनंद रखता है, जॉय का मतलब है आनंद, ना तो इसमें कोई प्यार है, ना कोई प्रकाश है, प्रकाश का अर्थ है ज्ञान से। कवि का कहना है कि संसार में ना तो आनंद है, ना तो प्यार है, ना तो प्रकाश है।
प्रकाश का अर्थ है ज्ञान से, ना तो ज्ञान ही है। नॉट सर्टिट्यूट नॉट पीस नॉट हेल्प फॉर पेन, यहाँ पे कोई सर्टिट्यूट का अर्थ है प्रमाणीकरण, यहाँ पे कोई प्रमाणीकरण नहीं है, कोई शांति नहीं है और ना ही कोई है जो दर्द में सहायता करे। एंड वी आर हियर एज एन डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विथ कन्फ्यूज्ड अलार्म टू स्ट्रगल एंड फाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। संसार के बारे में बताने के बाद अब कवि कह रहा है कि हम लोग या मनुष्य जाति इस संसार में यहाँ पे डार्कलिंग प्लेन पर हैं। डार्कलिंग प्लेन से अर्थ है एक अंधकारमय युद्ध भूमि। कविताओं में हम शब्दार्थ नहीं देखते हैं, भावार्थ देखते हैं, तो डार्कलिंग प्लेन का अर्थ है अंधकारमय युद्ध भूमि। तो संसार को बताने के बाद, समझाने के बाद, प्यार में एक दूसरे के प्रति सच्चा बने रहने की आशा करते हुए, अपेक्षा करते हुए अब कवि कह रहा है कि हम लोग, मैं तुम या फिर सभी मानव जाति इस दुनिया में एक अंधकारपूर्ण युद्ध भूमि में है, कुछ इस तरह से जैसे कि स्वेप्ट विथ कन्फ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल एंड फाइट, कुछ इस तरह से है कि जैसे हमें ढकेल दिया गया हो। स्वेप्ट का मतलब होता है झाड़ू लगाना, तो जैसे हमें ढकेल दिया गया हो, स्वेप्ट का अर्थ यहाँ पे होगा कि जैसे ढकेल दिया गया, विथ कन्फ्यूज अलार्म संदेहास्पद संकेतों के साथ, अलार्म का अर्थ होता है संकेत, तो हमें जैसे यहाँ पे ढकेल दिया गया है और बिल्कुल ही संदेहास्पद संकेतों के साथ हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, और यह वह स्थान है जहाँ पे अज्ञान या अज्ञानी सेनाएं, अज्ञानी फौजें, इग्नोरेंट का अर्थ होता है अज्ञान, आर्मीज का अर्थ है फौज, तो यह वह अंधकारमय युद्ध भूमि है जहाँ पे अज्ञानी सेनाएं रात भर या सदैव ही एक दूसरे से लड़ रही होती हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वे क्यों लड़ रही हैं और किसके लिए लड़ रही हैं। कवि की माने तो कवि का कहना है कि यह संसार सिर्फ अशांति से, दुखों से भरा हुआ है और यह संसार हमें शांति नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता। स्टूडेंट्स, यह कवि के व्यक्तिगत विचार हैं। मैं अगर अपनी बात बोलूं तो इस संसार में सिर्फ मनुष्य जाति नहीं है बल्कि लिविंग बीइंग में बहुत सी प्रजातियां हैं, और देखा जाए तो ये जो दुख, पीड़ा, असुरक्षा या युद्ध की जो बातें हम देख रहे हैं या करते हैं, वो मनुष्य जाति में ही पाई जाती है। बाकी प्राणी आनंदित भी होते हैं और दर्दविहीन जीवन भी जीते हैं। प्राणियों में मनुष्य अपने आप को बेहतर कहने लगा क्योंकि उसका मानना है कि उसके पास दिमाग है, बुद्धि है, पर इस दिमाग ने मनुष्य जाति को तो सिर्फ दुख ही दिया है। और यह कहना कि संसार, यह दुनिया या संसार या यह पृथ्वी मनुष्य को दुख देती है, तो मैं नहीं मानता। यह सारा दुख मनुष्य का खुद सृजित किया हुआ है क्योंकि दूसरे प्राणी, दूसरे जानवर, दूसरे कोई पशु दुखी नहीं पाया जाता इतना जितना कि मनुष्य, और अगर वे दुखी हैं भी तो मनुष्यों के कारण ही हैं।
चाहे वो सीधे सीधे तौर पे हो या परोक्ष रूप से हो, पर दूसरे पशुओं के दुख का कारण भी मनुष्य ही है। जितनी सुविधाएं मनुष्य जुटाता है, उन सुविधाओं को जुटाने में न जाने कितने कष्टों को झेलता है। मनुष्य अपने विज्ञान की प्रगति पर गर्व करता है, पर विज्ञान ने जो कुछ दिया है वह कष्ट ही दिया है। आखिर विज्ञान ने मेडिकल साइंस में अगर उन्नति कर ली, तो आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि पशु मनुष्य की तुलना में कहीं ज्यादा स्वस्थ हैं। कुछ बीमारियां उनमें पाई जाने लगी हैं, क्योंकि वह भी मनुष्यों की ही देन है। अगर मनुष्यों को इस धरती से हटा दिया जाए तो शायद उनमें न केवल और बीमारियां बचेंगी, उन्हें विज्ञान की या मेडिकल साइंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और सुरक्षा के लिए विज्ञान ने न जाने कितने हथियार बना दिए, पर सबसे ज्यादा असुरक्षित यह मनुष्य जाति ही है। न जाने कितने आतंकवादी हमले होते हैं, न जाने कितने युद्ध लड़े जाते हैं सीमाओं पे, न जाने कितने युद्ध लड़े जाते हैं गली चौराहों में, न जाने कितने मारकाट होती घरों में। इतनी मारकाट किसी भी प्राणी में नहीं देखा गया। तो यह कहना कि यह संसार, यह धरती, यह पृथ्वी मनुष्य को आनंदित नहीं कर सकती, आनंद नहीं दे सकती, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यही धरती दूसरे प्राणियों को बिल्कुल आनंदित रखे हुए है। उनके दुख का कारण अगर थोड़ा बहुत कोई है तो मनुष्य ही है, और मनुष्य खुद ही अपने दुखों का कारण है। इसलिए कवि का यह कहना कि यह संसार आदमी को सुख नहीं दे सकता, मैं नहीं मानता। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं।